ओडिशा से एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां क्योंझर जिले के घाटगांव के पास एक भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि घटना आज सुबह तड़के बाली जोड़ी गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 20 पर घटित हुई। ये हादसा कैसा था ये भी बता देते हैं। दरअसल NH-20 पर एक ट्रक खड़ा था, ऐसा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस दौरान एक वैन पीछे से आकर ट्रक से टकरा गई, जिसमें वैन सवार कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी मृतक गंजम के दिंगप हांडी के 2 परिवारों से ताल्लुक रखते थे। ये हादसा कब हुआ ये भी बता देते हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब पोदामारी गांव से 20 लोग वैन में सवार होकर जिले के माँ तारिणी मंदिर जा रहे थे। 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य ने घाटगांव अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घायलों को घाटगांव अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाद में कटक के SCB मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया। ओडिशा के क्योंझर जिले में ये दर्दनाक हादसा हुआ, जिसके चलते हड़कंप मच गया, तो वहीं मातम का माहौल फैल गया। अस्पताल में क्या कुछ देखने को मिला देखिए इस वीडियो में। फिलहाल मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की जाएगी।